हास्य? आप तो अंदर से बाहर कैसे आ गए? अच्छा एजाज भाई, दानिश ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों मेजबान हैं, ये दोनों मेहमान हैं। कपड़े भी किसे पहने हमने? एक जैसे कपड़े। आप दोनों करण अर्जुन लग रहे हो। जुड़वा भाइयों का रोल कर सकते हैं। जैसे सब ये ज्यादा हो गया है। नहीं सिर्फ आपने एक काम करना है यासिर। क्या? डाइट। अरे यार सिगार इन द डार्क, ये बहुत है यार। इसको लगाते हो धुआं निकलता है। थप्पड़ मारते हुए डरता हूँ कि मेरा बहुत जोर से लगता है थप्पड़। ये हाथ थोड़ी चाबुक है। देखो ये कौन आया। अरे यासिर, आप तो अंदर से बाहर कैसे आ गए? कौन सी कॉफी मशीन में आ गए? एजाज हो, एजाज। अच्छा एजाज भाई, क्या हो गया? काला, इतना काला चश्मा पहना? नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है जास? बस ठीक ठाक। अच्छा डिसाइड किया भाई, हम भी बैठे पहले बैठे। ताली तो मारे क्यों? माशाल्लाह हाथ यार, हमारा हाथ खत्म हो गया। ये वाला माशाल्लाह, हाथ इतना लंबा है तो दिल कितना बड़ा होगा। दिल बड़ा बीमारी होती है भाई। ये हाथ से साइज मतलब मुझे पता है कि हाथ से मोजे नापे जाते हैं। मैं अपने बच्चों के मोजे लेने जाती हूँ तो कल ये कल कलाइयां ना, ये सही बात है ना? ये मोजा लेने जाएंगे तो घुटने तक आ जाएगा। हाथ से नापेंगे ना? नहीं मैंने ये सुना है कि शूज जो है ना यहाँ से लेके आपको पाँव का साइज़ मेहमान को तो, और ये इस तरह अगर आप करें तो ये आपकी हाइट होती है यार। ना करें यार। हाँ वो दीवार पे दिखा है हमने। आपकी हाइट है। ओ, ये तो गाड़ियों का शौक है, हैवी बाइक्स का शौक है, साइकिल, फिटनेस, मतलब ये कैसे आ गया आपके अंदर इतना? बस हमें तो निहारी पाए से आगे निकलते ही नहीं है भाई। तो यही ना कंट्रोल, पहले मैं भी ऐसे ही था। अच्छा। मैं जब 12-13 साल की उम्र में मुझे शदीद खाने का शौक था और नहीं रुकता था भाई। बन कबाब खाने शुरू किए तो 10-10 खा लिए, 12-12 खा लिए। अच्छा। शर्तें लगा के खाता था, तो वो फिर हाल भी वैसे ही था। सो यू आर व्हाट यू ईट भाई, तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी तो उस जमाने में 42-43 वेस्ट होती थी। कोई किसी की कोई बात लगी थी कि डाइट शुरू की, एक्सरसाइज शुरू की, या बस खुद से दिल में आया यार? किसी लड़की ने लगता दिल तोड़ा? दिल तोड़ा किसी ने? नहीं, इनका कौन लड़की दिल तोड़ेगी भाई? भाई जब मोटे थे कोई देखता ही नहीं था उसमें। हाँ। तोड़ना क्या बात है। तो आप ही देखते थे सबको? मैं खुद शीशे में देखता था अपने आपको बस। तो मैं भी आप देखता हूँ, पेट उठा के देखता हूँ, फिर अंदर करता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, छोड़ूंगा यार। मैं तो यार जब कपड़े खरीदने जाता हूँ मेरी छड़ियाँ फंस जाती है। वो स्कूल ना गुली बहुत होती थी। लड़के कहता था ओए मोटे, मोटू, गुल्लू, पता नहीं क्या क्या नामों से पीछे। अच्छा वो जो आपको मोटू कहते थे अभी मिले हैं कभी? नहीं, वो यार हम आपको मोटू कहते थे। ना वो फिर खुद ही एक पॉइंट पे आगे ना रियलाइज हुआ कि यार यार ये तो बुली इतनी हो रही है और अजीब बुरा लग रहा हूँ, कपड़े सही नहीं आ रहे, अजीब एक बहुत स्ट्रेस होता था भाई मोटापे। हमें ये वाली गैरत का भाई हमें बस ये आनी है जिस दिन। मेरे साथ क्या है, मुझे जब कोई बोलता है ना, जैसे अभी कल ही किसी ने बोला कि जैसे दानिश भाई ये थोड़ा वजन कम कर ले, मैंने भाई तू भी कभी शीशा देख लिया कर, मतलब हम कमबैक मार देते हैं, ये नहीं सोचते कि यार ये कुछ ऐसा बोल रहा है तो यार इसको ज़रा सीरियस ले। और मैं तो जिस दिन सोचता हूँ बस कल से डाइट पक्की करनी है, और कल के दिन कोई दावत होती है कोई नहरी की, कोई पाए की, कोई हलीम की, उसी दिन डाइट देखा। अच्छा मैंने डाइट पे बिलीव नहीं किया, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। मैंने सुना भाभी बहुत नाराज होती है जब जहाज में आप आ रहे होते हैं कहीं से तो आपका डाइट फूड ज्यादा होता है कपड़ों से। अमेरिका से खास तौर पे जब आते हैं ना, मैं मेरा पूरा एक सूटकेस होता है जो फिर मैंने घर में फ्रीजर भी अलग रखा। अच्छा। तो उसमें ला के मेरा ही सामान होता है, मैं भर देता हूँ उसमें, हर तरह की चीजें होती है जो यहाँ नहीं मिलती, तो वो फिर वहां से। आपने मुझे लगा कमरा भी अलग किया हुआ अपना घर से सब कुछ। अच्छा बेगम जा रहे हैं कल मिलते हैं। मेरा जो किचन है ना वो एक स्टूडियो की तरह है, क्योंकि मैं सारी अपनी चीजें खुद ही बनाता हूं, तो अच्छा। वो एक स्टूडियो की तरह है। मेरी चाय भी अगर मैं हफ्ते में 2 दिन चाय पीनी है तो मेरी चाय भी मैं खुद बनाता हूँ, वो अलग होती है वो। अच्छा वैसे खाने पीने पे तो फिर बेगम से फड्डा ही नहीं होता होगा आपका कि बेगम सालन में नमक तेज कर दी? इसी बात पे फड्डा होता है, कभी तो मेरे हाथ में खा लो खाना। नहीं वो कभी कभी मैं खाता हूँ, अगर मुझे, मैंने इस तरह का नहीं किया हुआ अपना
के जो है ना डाइट पे बिलीव नहीं है कि भाई डाइट है तो वो अपने आप को रोक रहे हैं। बस मेरा बिलीव ये हो गया कि भाई जायका जुबान तक है, ठीक है, आपने पेट नहीं भरना है उससे। आपने चखा, आपको अच्छा लगा, आपने अप्रिशिएट किया कि भाई ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा खा लिया। इसी तरह मीठा है, वो भी आप अगर मुंह पे रखें, जबान में रखें और थोड़ी देर ज्यादा रख के आप उसको स्वालो करते रहें तो आपका वो दिमाग भी सिग्नल देता है कि हाँ यार हो गया, पेट नहीं भरना ना उसमें। मैं भी ऐसे शॉपर में खाना रख के खाऊंगा। जब हम रिसर्च करे थे एजाज की तो मैं तो हैरान होगी कि अच्छा कि एजाज ने कहीं इंटरव्यू में बताया कि मैं आसिफ रजा मीर का दूर का कोई रिश्तेदार हूँ, तो लोग जब मैं आया शोबिज में तो लोग ये समझते थे कि पर्ची रिश्तेदारी है, बाकी रिश्तेदारी है, कश्मीरी है ना तो कश्मीरियों का टांका मिल जाता है। उसी तरह जैसे हमारा जरदारी साहब से रिश्तेदार। मैंने अपना जिंदगी का पहला एड जो किया था वो आसिफ भाई ने मुझसे करवाया था, एक जूस का एड था, ब्लेजॉन एडवर्टाइजिंग की होती थी, तो उसमें मैंने किया था वो एक ऐसे छोटा सा एक वो था कमर्शियल वो किया। खैर वो इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं था। फिर मैंने एक शेविंग क्रीम का एक कमर्शियल किया, वो था। हाँ वो काजिम पाशा बहुत हिट था और अब्बा की आवाज। अच्छा एक बात मुझे पता लगी, जब आप रोशू कर रहे थे वो सीरियल अपना कशकोल, कशकोल आप घर में क्या बताते यार मैं कशकोल करने जा रहा हूँ, लोग कहते हैं अबे क्या हो गया, भीख मांगने जा रहे हो तुम भाई। कशकोल की तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। काजिम साहब जज्बाती आदमी, उन्होंने मुझे बुला लिया भाई, वो मेरा एड देखा और एड से ही उन्होंने ना मुझे वो एक नदीम साहब होते थे कैमरामैन, उन्होंने काजिम साहब को बोला कि भाई ये लड़का बड़ा स्मार्ट है। तो काजिम साहब ने मुझे फोन किया, ऑफिस होता था मेरा एक अपना एडवर्टाइजिंग का, मैं काम करता था, तो वो काजिम साहब का फोन आया, मशहूर जमाना डायरेक्टर, फोन उठाया, हेलो भाई काजिम पाशा बोलो। मैंने उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं स्क्रिप्ट लेने गया, मैं लेके आ गया। अच्छा उससे पहले मुझे अरूसा ड्रामा ऑफर हुआ था बजिया का, वो मैं स्क्रिप्ट लेके आया, मेरी अम्मी ने बोला भाई, मेरे अब्बा भी उस शुरू में ना लाइव ड्रामों में काम कर चुके थे थोड़ा सा, मेरी अम्मा कहने लगी ये इतना टाइम वेस्ट होता है, नहीं करना तुमने ये फजूल काम है, छोड़ो। मैंने फिर अब्बा मेरे कहते, अब्बा कहते थे करो यार, अम्मा मना करती थी। होता है ना कि अब्बा माँ या बाप ने कुछ ऐसा नहीं किया तो मेरी औलाद करे, तो अब्बा मुझे चाहते थे कि मैं करूँ, तो अम्मा ने मना कर दिया। फिर अब्बा से मैंने भजिया को फोन कराया, अब्बा ने कहा यार अभी ये पढ़ रहा है भजिया तो जरा कर पढ़ ले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ सही कर रहे हैं आप, पढ़ लिख ले ये, उसके बाद ये तो सारी जिंदगी होता रहेगा। फिर वो अदनान ने कर लिया था अरूसा, फिर उसके बाद मुझे ये काजिम साहब वाला हुआ, तो मैं गया, अम्मा कहने लगी फिर ले आए तुम स्क्रिप्ट, नहीं करना ये। तो फिर मेरे बहनोई होते थे, वो मेरे खालाजाद भाई भी थे, वो उनकी जरा मेरी अम्मा सुनती थी, तो उनसे मैंने सोर्स लगवाई, गया स्क्रिप्ट लेके आया। अगले दिन जाके मैंने काजिम साहब के पास स्क्रिप्ट रखा, यूं टेबल पे सामने बैठे हुए थे कुर्सी पे, शब्बीर जान यहाँ बैठे हुए और शगुफ्ता एजाज वगैरह, मैंने कहा काजिम साहब नहीं करा। अच्छा उस वक्त मैं मॉडल टॉप मॉडल था, तो वो एकदम जो उछले हैं कुर्सी से काजिम बना कर रहे हैं, अरे जो पागल हो गया ये, आंसू आ गए ना, आंसू यहाँ से भाई अब्बू की बात हो रही है, आंसू आ रहे हैं ना काजिम साहब, थोड़ा गुस्सा लाल हो गया कि पागल हो गए तुम, इस रोल के लिए मुझे पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा है, नहीं इतना डर गया मेरा भाई। बाहर मेरा दोस्त खड़ा था, उसको मैं बोल के आया था मैं स्क्रिप्ट वापस कर, अगर कुछ हो तो अंदर आ जाना। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई ये तो खतरा लग रहा है, तू वो कहीं जा रहा था, मैंने कहा रुक जा इधर, रुक जा मैं भाग के निकलूंगा। तो वो कहने लगा कि वो काजिम साहब इतना नाराज, इतना निकल जा इधर से तुम, नहीं यार। मैंने कहा अरे भाई ये कौन है यार, मैं निकल गया। मैं अब मॉडल होता है तो मॉडल का एक अपना एटीट्यूड, मैंने कहा अबे भाई पता नहीं क्या भाई गुस्सा दिखा रहे हैं, मैं आ गया। बाद में फिर मैंने अपने बहनोई से सोर्स लगवाई, अम्मा को कन्विंस किया, उन्होंने कहा बस एक ड्रामा करेगा ये, एक कर लो। मैंने अगले दिन काजिम साहब को फोन किया, मैंने कहा काजिम साहब वो इजाजत मिल गई है, मैं करूंगा। पागल हो गए तुम, पागल आदमी बेवकूफ, मैंने किसी और को ले लिया, नहीं लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार। फिर शाम में फोन आया, सुनो मैंने कहा भाई वो कल सुबह आओ ईस्टर्न स्टूडियो आ जाओ। अच्छा मैंने कहा अब क्या हुआ, कहने लगे बस आओ ना यार तुम। मैं चला गया वहां, उन्होंने मेरा ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ाया, कहने लगे हाँ सही है बस बाकी मैं संभाल लूंगा, कल सुबह तुम चले जाना, टीजे साइज वाइज देना, कपड़े बनेंगे तुम्हारे, ये होगा वो होगा। मैं खुश भाई, मैं गया टीजे, वो ऐसा कपड़े उपड़े सारे कपड़े बन के आ गए,
कोई 30-40, मैंने कहा यार क्या जबरदस्त ये तो कहूंगा, फिर इस तरह वो गाड़ी चल वो ड्रामा हिट हो गया भाई, ड्रामा बहुत हिट, मैंने सीन में हिट होना था, सीन के दौरान जो है ना सीन शूट हो रहा था और एक आवाज आती हाँ, फिर शूटिंग रुक जाती थी, फिर आवाज आती वो मैं डायलॉग बोलता था ना, हम एक दिन शूट कर रहे थे, हम सुबह शुरू हुए 10-11 बजे और अगले दिन सुबह 4 बजे तक शूट हो रही है नॉन स्टॉप, उस जमाने में ऐसे ही होता था। तो अब मैं डायलॉग बोलूं और एक आवाज आती थी चिट, जैसे ही डायलॉग खत्म चिट एक आवाज किसी ना जैसे टच बटन खुलता है बंद होता है, अब काजम साहब कहने लगा भाई आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने कहा यार दोबारा बोला था कैसे बोला भाई आवाज कहाँ से आ रही है बेटा, मेरे बाप का मजाक तुम मिलके तुम तीनों मैं कहाँ हो रहा भाभी, ये हंस रहा है गाड़ी तो एंजॉय कर रहा है एंजॉय। वो काजम साहब परेशान सर पकड़ के बैठ गए, चश्मा उतार रहा, उन्होंने कहा भाई कहाँ से आ रही है आवाज। वो आरिफ होता था, वो एक पहुंचा हुआ साउंड इंजीनियर था, वो कहा सर ये लाइटें ऑफ की, सर ये लाइट गर्म हो गई है, सुबह से चल रही है ना, लाइटें बंद की फिर वो करे, फिर आए वो होते होते वो आरिफ जो है ना पहुंच गया, कहने लगा इधर आए, करीब आए करीब आए करीब आए, बूम लेके आया, कहने लगा बोले, कहने लगा ये इजाज के ना कान में से आ रही है। तो पकड़ लिया ना उसने मेरे को कान में से, मैंने फील किया तो वो कान में से ही आ रही थी। कान में से क्यों भाई, वो पूरी रात उससे पहले भी शूट होते होते ना वो स्वेलिंग हो गई कहीं कान में, इतना काम किया हमने। कान साहब ने कहा पैकअप करो भाई जाओ, तुम घर जाओ सो जाओ जाके, सो के आना अच्छी तरह, कल भी शूट नहीं करेंगे परसों करेंगे। सो के आया, स्वेलिंग वेलिंग सही हो गई और फिर अगले दिन आए फिर वो सही नहीं यार। तो एक दफा तो मेरे साथ क्या हुआ, पेट में से भी एक दफा आवाज आ रही थी, जब भूख लगने लगती थी ना तो वो काजिम साहब क्या करते थे, बिस्किट मंगा के रखते थे, कहते थे ले भाई 7 बज गए आवाजें आ रही हैं इसके पेट में से, भूख लगी लाओ भाई लाओ जल्दी लाओ सीन रोको नहीं यार। वैसे उस वक्त का ऑडियो सिस्टम क्या कमाल था, अभी के ऑडियो सिस्टम में बाहर की सारी आवाजें आती है लेकिन जो बंदा बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आती। मैं एक सीरियल कर रहा था उनके साथ, तो मंगनी के बाद एक ही सीरियल, आज ये एपिसोड हम डेडिकेट करते हैं काजिम पाशा साहब को, इसके साथ एक ही सीरियल किया मैंने, मंगनी के दौरान किया था, तो मैं नर्वस हो गया, मुझे जुमले याद, वैसे जुमले याद होते थे मुझे उनके सेट पर, जुमले याद नहीं, अब उनको समझ में आ गया कि ये मेरी वजह से नर्वस हो गया, अब हम कश्मीर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब उनको समझ में आ गया नर्वस मैं जब क्यों बोलता हूँ तो ये जुमले भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों क्या किया बेचारे, मुझे रहम भी आ रहा था उस वक्त, अब वो डायरेक्टर है तो कैमरा रोल एक्शन मुंह उधर कर देते, इधर खड़ा हूँ सीन नहीं देख रहे, और मैं नर्वस हो जाऊँ, हो गया हो गया यार। लेकिन मैं ये बताऊं कि वो वाहिद डायरेक्टर थे सीखने को मिला, अभी भी तो डायरेक्शन तो छोड़ दी ना, क्या अच्छा, डायरेक्शन छोड़ दी ना, लेकिन उस वक्त के वो वाहिद डायरेक्टर थे जिन वो जो सिखाते थे, अच्छा पाकिस्तानी की और बाकायदा पूरी मूव्स करते थे कि यहाँ से तुम आओगे। एक दिन मुझे एक सीन सिखा रहे हैं, वो कहने लगे यहाँ से तुम आए, यहाँ तुमने हाथ रखा टेबल पे, यहाँ से तुम टर्न हुए यूं हुए और यहाँ से आंसू का कतरा, मैंने कहा भाई आंसू कैसे आएगा, अरे भाई जब दिल से फील करोगे तो आएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ये दिल से फील करना होता है, तो वो कहने लगे हाँ भाई दिल से फील करोगे तो ही आएगा। वो बताते बताते ना वो इमोशनल सीन रो पड़ते थे और पूरी मूव के साथ वो पूरा बताते, फिर वो बताते थे हैं को ऐ बोलना है, मैं को मैं बोलना है, बोलना नहीं रखने है, ये पूरा सिखाया उन्होंने कि भाई ये ट्रेन कर दिया। अंदर बैठ रहे यार, बाहर ही बैठ गए यार, मजा तो आ रहा है बाहर, चल रही लेकिन कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, खिलाए पिलाए भी साथ में जा भाई, और जासु घर भी दिखा, भाई तो नहीं पीते, नहीं नहीं खिलाएंगे भाई सब आके, तो आए अंदर चलते हैं जरा, पहले आए हमारे घर, बहुत पहले आया था जब 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 नया घर लिया था, हाँ, आप दोनों करण अर्जुन लग रहे हो। चलो भाई डांस करें, करण अर्जुन कैसे ये अच्छा, इधर आप यहाँ आ जाए ना, ओ भाई हाँ जी, नहीं इसका तो बताओ ये क्या कहाँ से आया है ये कॉमेडी कैसे शुरू कर दी आप, तो इतने सीरियस एक्टर चल रहे थे यार शुरू में, जब मैं आया मैं और तुम, जब हमारा होता था मैं और फैसल करते थे, अच्छा पहले एपिसोड में मुझे बड़ी मुश्किल हुई, फैसल मुझे बोलता था भाई थोड़ा इन हो यार, मैंने कहा बस सही है, पहले एपिसोड निकाल, दूसरे दिन जब रिकॉर्डिंग में आया तो फैसला बोला भाई रुक जा, भाई रुक जा। वो फिर समझ गया कि भाई दिन मेरा ब्याह किया उसमें तो बिल्कुल ही वो तो बहुत एक्सट्रीम, हाँ बहुत हार्ड कोर नजाकत,
लेकिन उसके बाद लेबल लग गया यार कि हो सकता है लोगों को इतना याद ना, थोड़ा करके तो दिखाए ना। चौधरी नजाकत जो है ना, केला केला याद है, वो एक कैफियत थी। हाँ, वो ऐसा एक फिनोमेना बन गया कि पंजाब में मैं अब भी जाता हूँ ना कभी लाहौर और में, तो लोग अब भी वही करते हैं। और वो ऐसा था, मैं हम कभी हम उसकी शूट कर रहे होते थे तो बच्चों को बड़ा पसंद था, बच्चे वैसे ही कलरफुल कुर्ते पहन के कॉलर खड़े करके ना मेरे पीछे लाइन से, मैं जा रहा हूँ एक दिन मॉल में लाइन से चल रहे मेरे पीछे, देखा ही क्या तो मेरी तरह ना यूं यूं चल रहे थे चौधरी नजाकत। पर उनकी माए साथ जा रही थी, कहने की सारा दिन घर में चौधरी नजाकत बन के। मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ, नादानी हमारा उसको हिट चल रहा है, वही बार लगा देंगे ना यार। बाबा को सुना नहीं, मैं इजाज़त दोबारा सुनाऊंगा। अब मैं खड़ा हूँ नीचे आए चुंदी की रोड पे, गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, ड्राइवर के लेट हो गया ना, पार्किंग दूर होती थी, मैं तपा हुआ हूँ सड़ा हुआ, धूप चल रही गर्मी गंदी, तो एक साहब ना जान ना पहचान कोई होंगे 55-60 के होंगे आगे मेरे करीब, यासर साहब ये ज्यादा हो गया है, नहीं ये पेट में आता दोबारा है, अब मैं तपा हुआ हूँ धूप में सड़ा हुआ हूँ, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो, कम करें इसको। मैं हाथ हटाओ, मैं तुमसे मेरा मजाक है, फिर मुझे अंदाजा होगा नादानियां करने कॉमेडी की वजह से, कॉमेडी की वजह से हर बंदा बस समझता है फैमिली मेंबर है। लेकिन यार हमें तो कॉमेडी से लोग दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, हमें भी देते हैं, वो भी करते हैं। एजाज हम आपकी रिसर्च कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि कहीं भी ऐसा, मतलब भाभी के साथ आपने शायद एक आध दफा इंटरव्यू दिए, लेकिन उसमें बड़ी मुश्किल से, मगर उसमें भी आप दोनों मियां बीवी को गेम्स खेलवा रहे थे। हाँ। कोई बात नहीं पूछी किस बात पे लड़ाई होती है, किस बात पे मनाता है, कौन पहले में, मतलब मियां बीवी वाला इंटरव्यू मैंने मुझे कहीं भी नहीं मिला। भाई वो जाती नहीं है वो। हाँ। उसको ये होता है कि भाई वो एक तो शुरू में एक आध दफा गई, एक आध वो नादिया के शो में चली गई, फिर वो मेरा उस वक्त काम भी होता था, वो अपना डिजाइन हाउस था मेरा, तो वो उसमें वो फिर जब कहीं बाजार जाए कहीं जाए तो वो सब बोलते थे आप इजाज़त इस्लाम। हाँ। वो कहती थी यार तुम्हारे साथ एक तो वैसे ही घूमना मुश्किल है, फिर मेरे मैं भी अब निकल जाऊं तो वो मेरी प्राइवेसी मुझे चाहिए। भाभी जो फोटोग्राफर थी क्या, उन्होंने फोटोग्राफी पढ़ी? हां उसने सीखी फोटोग्राफी सीखी थी थोड़ा अरसा की, फिर उसके बाद बच्चे छोटे थे तो वो बड़ा मुश्किल काम होता था जाना, फिर वो काफी काम। अभी आपकी ब्रांड की है फोटोग्राफी? हां ब्रांड की भी की, इजाज़त इस्लाम ब्रांड जो थी कपड़ों की। मॉर्निंग क्यों नहीं कर रहा है तो क्या हुआ अब, मतलब सही है ना, आपने सारे काम की में, आप मतलब कोई प्लॉट की बात हो एजाज भाई को बताओ कि गाड़ियों की बात हो, ऐसा घड़ियों की बात हो, चश्मे, अभी आपका फ्रेश क्या परफ्यूम ब्रांड चल रहा है? परफ्यूम मेरा बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो मैंने कहा शायद इजाज का परफ्यूम लेने चले जाएगा, कहां है परफ्यूम लाया, और ये यासर के पास बहुत है कलेक्शन, जो भी आर्टिस्ट मिलता है उसको आप परफ्यूम गिफ्ट करते हो? इजाज असलम लेने गया था, तुमने सरप्राइज खराब कर दिया। ये हमारा इस वक्त नई कलेक्शन का टॉप सेलर है, सिगार इन द सिगार, ये बहुत अच्छा है यार, इसको लगाते धुआं निकलता है? नहीं स्प्रे और लास्टिंग वगैरह सब कहाँ अवेलेबल है? ये ऑनलाइन भी और हिमानी डब्ल्यू बी हिमानी के जितने आउटलेट्स हैं 50 आउटलेट्स हैं सब पे मिलता है। अच्छा जैसे भी ये कह रहा था दानिश कि आपके पास हर मशवरा है सबके लिए, पर आप भी तो किसी से मशवरे लेते ही होंगे ना अपनी जिंदगी के लिए, सो घर में ऐसा कौन है जिससे आप मशवरे लेते हैं, लाइक बेगम से मशवरे लेते हैं? मैंने ना अपनी जिंदगी में लोग मुझसे मशवरे इसलिए लेते हैं कि मैंने प्रैक्टिकली सारी चीजें करके और अपनी रिसर्च करके उसके ऊपर काम करके फिर कोई चीज करने जाता हूँ, और फिर उसमें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है कुछ बुरा होता है तो उससे मैं सीखता हूँ। नहीं कोई, इसका मतलब कोई ऐसी चीज हो, इनको बादाम खा के कर लिया, ये ठोकरे खा के। हाँ सही बात है, जब नुकसान किया फायदा हुआ, बिल्कुल बहुत नुकसान किया बहुत जगह फायदा किया तो वो समझ आ गया। वो मेरा बड़ा जबरदस्त वेंचर था और वापस शुरू करो यार उसको मैं अब करना चाहता हूँ, लेकिन अब एक बहुत एक वर्कर यार इनका पूरा कपड़े जो है ना पूरे थान लपेट के बाहर जा रहा था, चोरी चोरी हो रही थी, वो क्या करते थे चोरी में ना पूरा थान लल्ला बेटा ऊपर कपड़े पहने ओके सर 40 मीटर का थान निकाल साड़ी की तरह बाहर निकल लिया। बच्चों की जो मशवरे, बच्चे कितने पहले तो बताओ? तीन बच्चे मशवरे, बेटे कितने बेटियां कितनी? एक बेटा दो बेटियां। यार एजाज भाई कहते हैं कि जो नट्स है नाश्ते में मुट्ठी भर खाने चाहिए, तो पूरी एक मतलब माशाल्लाह बर्नी जितनी तो गुट्टी है आपकी, मेरे अपने हिसाब की गुट्टी है ना ये बात भी। अच्छा मुझे बताओ अगर तुम फैसल को कॉल करोगी और बोले मुझे 10 लाख की जरूरत है, वो देगा नहीं देगा? अगर उसके पास होंगे फौरन दे देगा। देगा? हाँ। उसे मतलब करे प्राइम मारे? नहीं नहीं यार बुरी बात है, करते हैं ना, नहीं कर ले कर ले तो क्या कहता है वो?
उसको बताना नहीं कि हम अगर होंगे फौरन देगा, मैं कर चुका हूँ। क्या पता रिकॉर्डिंग असल में शो में असल में फिर 10 लाख ऊपर बढ़ाते हैं ना, या फिर काम करते 5 लाख करते हैं। 5 लाख तो होंगे उसके पास, 5 लाख तो होंगे। 5 लाख तो कौन मना करेगा यासिर? 10 लाख करो, 15 करो बोलो, 15 नहीं हुए उसके पास, अगर 6 लाख करूंगा मैं। स्पीकर करो ना यार, वहां से स्पीकर करो ना यार, कुछ और ना बोल दे कुछ और ना वो तो ये शूट हो रहा है, मैं एडिट कर देंगे, हम बीप लगा देंगे, क्योंकि बाकी से इसकी अपनी इज्जत भी अब जा रही है भाई। दोस्तों में क्या है? हाँ कहो भाई, यार एक काम है जरूरी, अर्जेंट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ पैसे चाहिए। कितने? 15 लाख। ओके खुदा हाफिज। भाई 4 दिन के लिए चाहिए। हैं? 4 दिन के लिए चाहिए। अबे अभी क्या बताऊँ, मैं सबके बीच में हूँ मैं। अच्छा ठीक, हम भी सब सुन रहे हैं। यार तुम हाँ दिल्ली रख लेते हैं फैसल। शोक शो में चल रहा है, दिल्ली रख लेते, हाँ ले जा कल आग ले जा। ये क्या चल रहा है? ये शो चल रहा है नादान मेजबान हम तीनों का, और तुम्हें भी आना है इंशाल्लाह ताला। तीनों का नहीं, चारों का। और चारों ये गेस्ट है, हम मेजबान, हम तीन मेजबान है ना, तो अच्छा। हमने कहा ऐसी मस्ती मजाक, 15 लाख मांगो, देगा नहीं देगा। अगर मैंने इनको बोला सेट के ऊपर, मुझे गौर कर रहे हो, मैंने इसको बोला मैं उसके साथ पहले ये पैसे ले चुका हूँ, उसके पास होते हैं तो वो 1 सेकंड में दे देता है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू है, पैसे बस हजार बस बस चलो चलो काम करो। यार कसम खुदा, कब चाहिए बताओ मुझे, कब चाहिए, कितने चाहिए? ब्लैंक चेक दूंगा मैं, कैश नहीं होगा वो कहीं से भी, ब्लैंक ही होगा बिल्कुल। साइन भी नहीं होगा उसको, उसपे साइन भी नहीं होगा। चलो काम करो, हम तो मस्ती कर रहे हैं, मस्ती की। चलो बाय 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 ना पेस। यार ये दोस्ती देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्यों? क्योंकि यार ऐसे दोस्त होने चाहिए कि देखो वैसे ही दे देगा। इतने बड़े बड़े एक्टर देखो आपस में दोस्त हैं, अदनान, और ये मर्दों में ही क्वालिटी है, खवातीन आपस में दोस्त नहीं होती। अच्छा, अच्छा, जी ऐसा कुछ अदनान को भी आप बोले अगर उसके पास है वो भी दे देगा, वो इस तरह का वो नहीं है। तो ये एक बात है जब, ये क्यों नहीं इनके पास पैसे? होंगे तो देगा क्या भाई, होते ही है पैसे, पैसा तो होता ही है, पैसा भाई खर्च करता है। फैसल तो भाई, तो भाई वो ये होता है इसके पास जितने पैसे आने हैं उससे पहले खर्च कर चुका हूँ। शुक्र है कि ये बिल्कुल फिट हैं, तो चलो आपका डिनर फिर रख लो, आओ मेरे साथ प्लीज, बैठिए बैठिए भाई, वो लेटा हुआ है, गलत लेटा हुआ है, इसमें से निकल के आया। ये ड्रामों पर होता था, लाभ हासिल शुरू होता था, क्या रीजन थी सुनने आया। अच्छा वो आप टिपिकल हस्बैंड है जो वो यूं कहते हैं ये जाले नहीं साफ करवाए तुमने मासी से, ये गंदगी साफ नहीं, वो बेबी ऐसी है मेरी। अच्छा आप पापा कैसे हैं, मतलब गुस्से वाले पापा? बच्चे बोलते क्या, पापा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं? बाबा। बाबा यार हमसे गलती हो गई, हमने बुलाना शुरू कर दिया डैडी, अब हमारे बच्चे चिढ़ते हैं, डैडी क्या होता है, डैडी मम्मा ये क्या होता है, बाबा अच्छा था क्यों नहीं बुलवाया हमसे। अब शुक्र है मेरे तो बच्चे ही नहीं है, आज तो जवान आदमी है तो। अच्छा वैसे मैंने एजाज को कभी डांस करते हुए नहीं देखा, फिल्म वगैरह में कभी डांस किया है? नहीं, डांस वाली फिल्म ही नहीं की कोई। और अगर आपको करनी पड़े तो कर लेंगे डांस? यार मैं बड़ा बेडंबा लगूंगा, इधर रात जा रहा है इतना लंबा, वो अमिताभ वाला ना, ये वाला करता हुआ, ये वाला अमिताभ इसलिए करता हुआ यार, अमिताभ इसलिए करता हुआ यार, आप वो वाली मूवमेंट नहीं कर सकते। अब तो डांस भी डिफरेंट आ गया ना, बड़े वो डांस कर रहे होते हैं। कोई खौफनाक वाली बताओ, कोई फ्लाइट जर्नी ऐसी है, कोई 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 जहाज हिला हो, जहाज हिला और दिल बैठ गया हो, कोई पायलट बाहर चाय पीने आ गया हो, जहाज कौन उड़ा रहा है? नहीं मेरे साथ फ्लाइट में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं एयरफोर्स का एक ड्रामा कर रहा था, शेर दिल नाम था उसका, एयरवाई का प्रोजेक्ट था 2008 में, हसीब ने किया था, हसीब ने किया था, तो वो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसमें मुझे दिखाना था कि वो ट्रेनिंग हो रही है और वो जहाज में आप लेके वो चले गए। अब उसमें उनकी वो जो होती है वो ड्रिल जिसमें जहाज की वो सिविलियन को अलाउ नहीं होता, वो उसमें वो ट्विस्ट एंड टर्न्स और वो नीचे आता है जहाज ऊपर जाता है, तो वो सिविलियंस को अलाउ नहीं होता, उसके पहले प्रैक्टिस करनी होती है, वरना वो आपको वॉमिट शुरू हो जाती है। अच्छा। तो वो थ्रेशोल्ड आपका कितना है वो उस तरह से वो देखते हैं, तो वो मुझे ले गए, तो वो जब मैं उसमें गया तो जाते जाते वो ऊपर जहाज जो था वो शूट कर रहा था, हसीब था उसमें। अच्छा। अब वो जहाज एकदम नीचे आया और वो साथ वो भी आ रहे हैं नीचे, एकदम उन्होंने छोड़ दिया, अब वो ऐसे लग रहा था मुझे मेरे जो गाल है ना वो इधर आ गए, मुझे फील हो रहा था यहाँ, मैंने कहा यार कितना हॉरेबल सा लग रहा हूँ,
वो अब फिर उसके बाद वो अब मुझे कंट्रोल रूम से आ रहा है, जहाज असलम आर यू ओके आर यू ओके, मैंने कहा वो कहेंगे यार ये डर गया, किस किस्म का हीरो है ये, तो मैं कह रहा यस आई एम फाइन आई एम फाइन, उन्होंने कहा आर यू श्योर पायलट ने मुझे कहा, मैंने कहा यस आई एम फाइन, फिर उसके बाद वो जहाज फिर ऊपर लेके गया और वहीं से छोड़ दिया, यूं ही नीचे आ रहा हूं, सारा आपका फ्लूइड हिल जाता है सर के अंदर ना, तो आप कुछ नहीं पता, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं पता थी कि इस वक्त मैं कहां जा रहे हैं, नीचे हूं ऊपर हूं कहां हूं, कुछ नहीं पता था, वो एक अजीब फीलिंग थी, पेट में ऐसी अजीब चीजें हो रही थी, तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, नहीं कराई थी भाई, अच्छा उसके बाद तुमने वो भी किया था ना नेवी वाला सीरियल, काजू साहब भी किया था, उसमें सबमरीन, उसमें सबमरीन में ले गए थे, हाँ सबमरीन में ले गए, तो उससे पहले उन्होंने हमें ना एक दिन बोट पे भेजा के जाके देख के वो सी सिकनेस तो नहीं है, मैं फरहान अली आगा दो तीन लोग हम सब चले गए, अब हमने वो गए तो उस दिन सी रफ हो गया, सो यूं बारिश हो रही है और बोट ऐसे ऐसे हिल रही है, बोट में गया थोड़ी देर में ना सब पड़े हुए इंक्लूडिंग जो बोट चला रहा था ना नेवी का वो भी पड़ा हुआ, सिर्फ मैं बैठा हुआ अंधेरे में, मैं देख रहा हूँ मैंने कहा घर कैसे जाएंगे, अंधेरा और तूफान और मैं बैठा हुआ, फरहान भी नीचे पड़ा हुआ, सब लोग नीचे पड़े हुए अकेला में, छह लोग थे सब, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ ये कब सही होंगे, वहीं बोट खड़ी भी हिल रही है दर दर दर, खौफनाक था ना अंधेरा समंदर और खौफ भी आ रहा है, तो वो कोई पौना घंटा जो है ना वो सब पड़े रहे, उसके बाद वो उठा जो पायलट चलाता है, तो वो कैप्टन उठा, वो कैप्टन ने पायलट ही कैप्टन, सॉरी सॉरी सर, मैंने कहा यार आप तो रोज का काम है आपका, कह रहा है पता नहीं क्या हुआ मुझे, तो उनकी गोली खा ली थी, देखा था वो इसकी टैबलेट होती है, तो फिर जब मैं वापस आया तो वो कहने लगे यार आप, उन्होंने कहा यू हैव स्ट्रॉन्ग सी लेग्स, तो मैंने कहा फिर मैं जा सकता हूँ भाई सबमरीन में, फिर आपने वो किया 6 सितंबर का ड्रामा, इसी तरह वो मैं जब एयरफोर्स वाला करके उतरा तो वो नीचे सारे पायलट खड़े हुए ना लाइन से, मैं जहाज से उतरा, उन्होंने क्लाइम उधर जासी उसमें शूट कर रहा, वो पूरे सबको उल्टियाँ हो रही है, वो लैंड भी कर गए, शूट ही नहीं हो रहा, रूल लगे उनको उल्टी हो रही है, उसके बाद अभी पिछले साल हम लोग 2 साल पहले गवादर मैच खेलने जा रहे थे, तो मैं और फैसल बैठे हुए जहाज में, तो एक पायलट आया पीछे, क्या लगा यार भाई आपको याद है मैं कौन हूँ, मैंने कहा नहीं मैं वही पायलट हूँ जिसने आपको रोल फैसल कहने लगा हाँ इसने किस्सा सुना सुना के दिमाग खराब किया हमारा, अच्छा करके दिखाओ, मैंने कहा देखा आप हो गया ना इन्फॉर्मेशन, ये हुआ था, अरे बाप रे, तो वो फनी इंसिडेंट बताओगे जो सेट पे वो शूट भी याद है वैसे फनी, जो वही बताया पेट में से आवाज आ रहा है, इस तरह आपको सब मेरे साथ असल में होते हैं फनी, क्या जैसे मैं एक दफा बाबा को अपने हमारे ताया थे उनको ब्लड की जरूरत थी और मुझे ना एक जगह मीटिंग में जाना था, तो मैं बड़ा तैयार भाई आके मैंने क्या हमें ना अच्छा खून की जरूरत, चलो मैं आ जाऊंगा यार दे दूंगा, वो नहीं होता कि आप अपनी एक बोतल दे तो उनको फिर फ्रिज से निकाल के देंगे, तो मैं चलो मैं दे देता हूँ क्या है, तुम्हें बड़ा चौड़ा हो गया ना, वहाँ गया मैंने चलो पहले तो उसने ब्लड टेस्ट करना था मेरा, वो सुई आई मैंने चलो यार ये तो छोटी सी कोई बात नहीं हो गया, फिर उसको जब खून देने की बारी आई तो इतने मोटा सूआ भाई, मैंने क्या हुआ कि किसी जानवर का खून निकालना है, इतनी मोटी सुई, कह रहा नहीं इससे तेज आएगा, मैंने अच्छा भाई वो कर दिया, तो वो पूरा एक बैग भर गया ना वो जो बॉटल जो होती है खून की वो हो गई, अब मुझे जाना था मीटिंग में, मैं चलो यार ये उतारो यार मैं जरा जा रहा हूँ, उससे पहले ना मैं सबको जुकते मार रहा हूँ भाई कैसे पड़े हुए हो क्या हुआ है, और अब मैंने निकलवाई वो, मैंने चलो यार ओके, कह रहे धन भाई थोड़ा वेट करें यार जूस जूस पीने, मैं नहीं नहीं यार क्या हो गया एक बोतल खून दिए यार क्या हो गया कुछ नहीं होता, मैं चल के निकला तो बाहर में ना दीवार पकड़ के मैं जा रहा हूँ, उसपे सी साइड पे ना, तो एक वो वैन थी, तो वो इंडिया से एक एक्ट्रेस आई हुई थी, तो वो उसने जाना था नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, सीन लास्ट में करना था, यार नाम भूल, दिव्या पानी चढ़ता जाता है, वो गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें से निकल के हमारा सीन था, वो सीन करा रहे हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता पाओ से इधर घुटने तक आना शुरू हो गया, भाई सोलो लेने कर, वो किसी ने नोट नहीं किया उतनी देर में वो गाड़ी के अंदर पानी आ गया और गाड़ी गाड़ी धस गई, और फिर थोड़ी देर में हम तो भागे पानी ऊपर आता गया, वो गाड़ी पूरी नीचे चली और गाड़ी में सामान पूरी अंदर सामान, वो उस वक्त सामान भी था उसमें था, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे क्रेन मंगवाई,
क्रेन से फिर वो गाड़ी अंदर से, अच्छा उस एक और आदमी आया पीछे वो अपनी वीगो लेके, वो स्मार्ट बनाना, उसने कहा अरे मैं निकालता हूँ भाई, लड़का था, उसने निकालने के उसकी भी फंस गई, दोनों गाड़ियां अंदर नहीं यार उसकी अंदर वो रेत में, रेत में ऊपर पानी आ गया, आप सारी रात पानी बिल्कुल ऊपर चलता रहा, सुबह पानी पीछे हटा, उन्होंने क्रेने मंगाई, गाड़ी टोटल हो गई, इंजन विंजन सब जाहिर है वो सैंड घुस गई अंदर। मैं दलदल फंस गया था ना आगे, दलदल मुझे पता नहीं था कि यहाँ दलदल आ गई इस साइड पर, चाइना टाउन से आ गई ना समंदर साइड पर। अच्छा तो बताओ नहीं बताओ, लंबा हो जाएगा किस, मैं नहीं बताओ बताओ, हमने रिएक्शन तो वही देना जैसे हम पहली दफा सुन रहे हमने तो वही करना है ना दानिश किस्सा क्यों नहीं सुनाने दिया, मैं दलदल से किस तरह बाहर आया नहीं बताऊंगा, जाओ ठीक है। एक सीरियस किस्सा वो हुआ था जो ड्रामा नहीं था, लोग क्या कहेंगे उसमें, वो जो फांसी वाला सीन था, वो तो अभी कुछ अरसे पहले ही हुआ है, वो क्या हुआ था कि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मॉर्निंग शो में बताया था ना, वो फिर इतना फजूल में वायरल लोग वो लगा देते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं कमी बताता हूं। क्या किया हुआ था वो, उसमें सीन था वो सुसाइड करता है, फिर वो आया हार्नेस वाला, उसने साइज वाइज लिए, नेक्स्ट डे आके वो इतनी टाइट हार्नेस, मैंने कहा भाई ये कह रहा, वो मैंने कहा तुम एक दिन पहले साइज लेने आए थे, फिर वो फाद मुस्तफा की साइज की है तो वो उससे मैच करा, मैंने कहा वो और पतला है मुझसे भाई, मुझे नहीं आएगी वो, तो टाइट वाइट करके बना दिया, वो सीन हुआ लटका हुआ है, और उसके बाद उन्होंने वो, उसने मोहसिन मिर्जा था, उसने बोला कट, अब सब इधर उधर लग गया, एकदम टूट गया वो, वो कुछ सेकंड थे मेरे गले में वो लगा, और मैं अलर्ट ही था, शुक्र है मैंने यूं करके वो निकाला और मैं गिर गया, लेकिन उस कुछ सेकेंड्स में, एक डेढ़ सेकेंड में वो जब मैं गिरा हूँ तो मेरे पाँव बिल्कुल सुन, बिल्कुल सुन हो गए, ये रगें ऐसी सूज के फूल गई, गले आवाज़ बंद हो गई, और ऐसे लग रहा था सुइयां चुभ रही हैं पैरों में और यहाँ ना, तो वो फिर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैंने उस पर काफ़ी बात भी की कि जब डिप्रेशन होता है किसी को तो किस तरह से घर वालों को चाहिए कि उसको अकेला ना छोड़ें, उसको ट्रीट करवाएं, ये बाकायदा एक डिप्रेशन एक बीमारी है तो उसको ट्रीट करवाना चाहिए कि किस जोन में कितनी तकलीफ में वो आदमी, जब मैं तो चंद सेकंड में उस चीज़ को फील किया तो वो एक लेसन लर्न था मेरे साथ, तो वो बस एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि ढाई तीन महीने मेरे वो वोकल कॉर्ड्स रिपेयर होने में लगी, आवाज़ फंस जाती थी आवाज़ में। अच्छा एक और एजाज का इतना मजे का किस्सा है, आपको चोर ने फोन वापस किया, आपको छीना ये क्या हुआ था, पहले शहरी होंगे कराची के भाई, वो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, उसका स्टूडियो था वहाँ फेस सिक्स में, तो बुखारी से हम उधर, मेरा एक और बचपन का दोस्त मेरे साथ था, उसके स्टूडियो में बैठे हुए थे, हम गपशप कर रहे थे, तो बड़े दिन बाद मिले थे, वापस आए तो बाइक पे एक लड़का आया पीछे से, अब फोन निकालो, दो थे बिल्कुल यंग 14-15 साल के होंगे, मैंने एक उस वक्त दो रखता था मैं फोन, तो वो एक मैंने पुराना वाला उसको निकाल के दे दिया, उसको बहुत होती थी स्नैचिंग, वो निकाल के दे दिया उसको, तो उसने यूं करके देखा ना, मैंने कहा भाई अब कहेगा दूसरा दो या मारे वारे का कुछ, सिल्वर कलर की उसके पास गन थी, तो उसने यूं करके ऊपर देखा ना, वो कहने लगा अरे सर आप, अरे सर माफ़ करते हैं माफ़ कर लें सर, ये ले फोन, मैंने कहा भाई वो सामने दोस्त का भी ले लिया तुमने मेरे फोन, वो भी दे दो, कहने लगा हाँ हाँ सर, उसने दूसरे को बोला अबे वापस कर, नहीं यार, उसने कहा क्यों भाई पागल हो गया, देख नहीं रहा कौन है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, उठेगा भी नहीं, तो खैर फिर वो दे गया मुझे चला गया, मेरा जो दोस्त था उसने मुड़ के भी नहीं देखा, वो मैं गाड़ी पे उसकी आया था, वो बैठा और चला गया, अब मैं उसको फोन कर रहा हूं, मैंने तुम उसके मोबाइल की लड़ रहे हो यार, वो भी दे दे, तो मेरा मैंने फोन भी दिलवा दिया, तो कह रहा है डर लग रहा है, मैं तो भाग गया, पर मैंने उसको फोन किया जो ऊपर मेरा दोस्त था, मैं कहीं जा रहा था, मैंने पहली उस दिन पहली दफा मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया था, मतलब होता ना गाड़ी का शीशा कभी नीचे ही नहीं हुआ था, उस दिन मैंने नीचे किया, अब मैंने देखा दूर एक बंदा ना मुझे देख रहा है और मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि यार ये कुछ होगा, अब वो यूं करके आया, मैंने शीशा बंद कर दिया, आधा बंद किया, अभी बंद कर रहा था तो वो आगे निकल गया, फिर मैं नॉर्मल हो गया, मैं फिर बात एकदम वो आया, उसने गन है ना रख दी अंदर, फोन दो अरे मैंने शिट, अब मेरा ये जो मैं जिसमें बात कर रहा था वो महंगा वाला फ़ोन था, वो
वो ऐसे वाला आता था ना क्लिप वाला, तो वो मैंने यार मैं ना अच्छा अच्छा मैंने ना वो फोन छोड़ दिया, वो गिर गया तो मैं यूं ही हो गया ना, दूसरा वाला फोन जो सस्ता वाला था मैंने वो दे दिया उसको, उसने वो लिया, कह रहा वो वाला दो। अच्छा लगा एजाज आपसे मिलके, बहुत मजा आया, स्टूडियो में मिले, रोशनी में आए थे, अंधेरा हो गया बाहर। हां यार, और पता ही नहीं लगा कि शाम हो गई। हाय हाय, ऐसे ही होता है। चाय कॉफी नहीं पूछी यार, चाय नहीं पिलाई सीरियसली यार। अभी मैं वो भी मैंने कहा बोला मैंने डाइट अगर नहीं कर रहा तो आप लोग ना कुछ भी नहीं। अभी मैं अपने गाड़ी के उसमें लाइटर वाला जो सॉकेट है उसमें अपना लंच बॉक्स, तो मैं शर्मिंदा कर रहे हो, लंच बॉक्स लगाऊंगा, बाय द टाइम मैं पहुंचूंगा ऑफिस वो गर्म हो चुका होगा, फिर मैं निकाल दूंगा। उन्होंने अपने डाले में इस्त्री इस्त्री का भी सामान रखा हुआ है, इस्त्री कर रहे होते हैं, ये करते हैं, चाय बना इस्त्री होती है मेरे बैग में ट्रैवल वाली, ऐसे फोल्ड हो जाती है, खुलती है, पानी भी भरता है उसमें, इतनी सी है। आपको बचपन में किससे खेलते थे आप, प्लास्टिक की किचन से या गाड़ियों से? भाई मैं बचपन में क्या करता था कि मुझे शौक था, जिसमें कोई भी टॉय लाता था ना, गाड़ी हो कोई, उसको खोल देता था। अच्छा, खोल के ना उसको देखता था कि भाई मिस्ट्री होती थी मेरे लिए कि है क्या अंदर, फिर उसको वापस जोड़ने की कोशिश करता था, तो कोई जुड़ भी जाते थे याद रखता था, ये स्क्रू यहाँ से निकला है, मार्कर से निशान लगाता था, 1 2 3 इस तरह वो यहाँ लगेगा, फिर वापस बना लेता था। हमारा चैनल है फरीदनवाज प्रोडक्शंस, पता होगा फरीदनवाज प्रोडक्शंस के नाम से हमारा चैनल है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स बताएं कि शो कैसा लगा हमारा, और उनको भी कुछ बोलना था यार। बोले यही बोल रहा था मैं, कमेंट्स चलें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।